Hey everyone, in this question we have the question says that the BT cotton variety that was developed by introduction of the toxin gene of Bacillus thuringiensis BT is resistant to which of the is resistant to which of the following? The options are insect predators, insect pests, fungal diseases or the plant nematodes. तो इसका जो करेक्ट आंसर है द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन जो बीटी कॉटन होता है वो रेजिस्टेंट होता है या फिर जो बोल सकते हैं जो टॉक्सिन जीन होता है जो बीटी कॉटन में या फिर जो बेसिलस स्पीशीज में प्रेजेंट होता है वो किसको किल करता है. इट किल्स द इंसेक्ट पेस्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेस्ट. बेसिलस थुरिंजियंसिस एक जीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है. वो जो जीन होता है वो होता है टॉक्सिन जीन, ठीक है. वो टॉक्सिन होता है एंड दिस टॉक्सिन इज इनएक्टिव इन द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है. जो बीटी के अंदर क्या होता है बेसिलस स्पीशीज में ये टॉक्सिन इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही कोई जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो इंसेक्ट पेस्ट जैसे ही इस टॉक्सिन को खाते हैं आफ्टर ईटिंग दिस टॉक्सिन ये जो होता है दिस टॉक्सिन टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव दिस टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव इन द गट ऑफ इंसेक्ट. दिस टॉक्सिन बिकम एक्टिव इन द गट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है. इंसेक्ट की गट में इनको जो होता है अल्कलाइन पीएच मिलता है, ठीक है. दे गेट द अल्कलाइन पीएच इन द गट ऑफ इंसेक्ट और वहां पे ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है. तो दिस इज हाउ दिस टॉक्सिन जीन वर्क. नाउ थ्रू बायोटेक्नोलॉजी थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी इस जीन को ट्रांसफर किया गया था इन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इन द डिफरेंट स्पीशीज लाइक कॉटन ब्रिंजल, ठीक है. बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल आर द एग्जाम्पल्स जिसमें इस जीन को ट्रांसफर करा गया था टू किल द इंसेक्ट पेस्ट. द बीटी टॉक्सिन दैट किल द सर्टेन इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंसेक्ट्स आर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट इट किल्स द लेपिडोप्टेरेंस. इट किल्स द लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल द टोबैको टोबैको बडवर्म. अनादर एग्जाम्पल इज आर्मी वर्म. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ लेपिडोप्टेरेंस जिनको जो बीटी टॉक्सिन से किल हो जाते हैं, ठीक है. अनादर एग्जाम्पल्स इज कोलियोप्टेरेंस 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 फॉर एग्जाम्पल बीटल्स. कोलियोप्टेरेंस सच एज बीटल्स आर ऑल्सो किल्ड बाय द बीटी टॉक्सिन. द अदर एग्जाम्पल्स आर डायप्टेरेंस सच एज फ्लाइज एंड मॉस्किटो. दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो बीटी टॉक्सिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं और बीटी टॉक्सिन से किल हो जाते हैं, ठीक है. बीटी टॉक्सिन क्या करता है इट फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ एंड दिस क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक, ठीक है. और यही टॉक्सिन फिर जाके जो जो इंसेक्ट की जो गट होती है जहाँ पे इसको अल्कलाइन पीएच होता है वहां पे जाके एक्टिव हो जाता है और उन इंसेक्ट्स को किल कर देता है, ठीक है. और ये किल कैसे करता है इट किल्स बाय इट बाइंडिंग टू द इट बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ द मिड गट एपिथीलियल सेल्स, ठीक है. जो इंसेक्ट की गट की जो मिड गट की जो इंसेक्ट के मिड गट की एपिथीलियल सेल्स होती हैं एपिथीलियल सेल्स से ये बाइंड कर लेता है. इट बाइंड्स टू द एपिथीलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर्स विच कॉजेज सेल की स्वेलिंग एंड देन इवेंचुअली उसका लाइसिस. आफ्टर दैट इट कॉजेज द डेथ, ठीक है. तो जो मिड गट की जो एपिथीलियल सेल्स होती हैं उससे ये टॉक्सिन बाइंड कर लेता है. इंसेक्ट की मिड गट की एपिथीलियल सेल्स से ये टॉक्सिन बाइंड करता है. आफ्टर बाइंडिंग इट क्रिएट पोर्स इन दैट सेल्स, ठीक है. इट क्रिएट पोर्स पोर्स क्रिएट करने के बाद जो सेल होती है द सेल सेल स्वेल्स एंड ड्यू टू द स्वेलिंग इट ब्रेक्स और सेल लाइसिस अकर्स एंड आफ्टर द लाइसिस इवेंचुअली दिस लाइसिस दिस ब्रेकेज ऑफ द सेल लीड्स टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट. बट रिमेंबर दैट ये जो बीटी टॉक्सिन होते हैं दीज बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है. बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है. और जिस जीन की मदद से टॉक्सिन को कोड किया जाता है उस टॉक्सिन का नाम उस जीन का नाम होता है क्राइजीन, ठीक है. क्राइजीन इज द जीन विच एनकोड्स दिस टॉक्सिन. सर्टेन सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्राइजीन आर जो Cry1AC होता है द Cry1AC एंड द Cry2AB. दीज बोथ ऑफ दीज हेल्प्स टू किल
कॉटन बॉल वर्म्स, ठीक है, बोथ ऑफ देम हेल्प इन किलिंग द कॉटन बॉल वर्म। वैसे ही एक होता है क्राई वन ए बी, दिस हेल्प्स इन किलिंग द कॉर्न बोरर्स, ठीक है, दिस एक्ट अगेंस्ट द कॉर्न बोरर्स। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द क्राई जीन दैट इज दैट प्रोड्यूसेस द बीटी टॉक्सिन। सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वॉज यूजफुल फॉर यू, थैंक यू।